वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, उसी को देखते हुए आज हम मौजूद है जिला सिरसा में, और उसी के साथ साथ नौ राज्यों में, नौ जिलों में भी लॉकडाउन लगाया गया है हरियाणा के। तो उसी के साथ साथ हम इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा की, जहाँ मेडिकल की दुकानें हैं, डायरी है, और जो हॉस्पिटल है सिर्फ वही खुले हैं, और आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ निजी वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, और जो सिर्फ बसेस है वही खुली रहेंगी। जगह जगह पर इसको लेकर पुलिस की तैनात की गई है, ताकि लोग नियमों को ना तोड़ सके और उनका सही से पालन कर सके। इसी के साथ साथ जो मेन मेन सिरसा के चौक है वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है, और जो बैरिकेड्स भी है वो भी लगाए गए हैं, ताकि जो वाहन है उनकी आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा सके। जिस प्रकार बढ़ती महामारी को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो वहीं हम इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सिरसा के बाजारों की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर को मंजूरी दी गई है। उसी के साथ साथ सब्जी मंडियां भी खोली गई हैं, तो वहीं हर चौक पर नियमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। जिस प्रकार से हमने आपको सिरसा जिले की तस्वीरें दिखाई, तो आप देखना यही होगा कि राज्य सरकार की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है वो कितना कारगर साबित होता है कोरोना संक्रमण के केसों को रोकने पर। यदि कोरोना संक्रमण के केस ऐसे ही चलते रहे, लगातार बढ़ते रहे, तो हो सकता है कि सरकार आगे और सख्ताई करे। इसी के साथ बने रहिए और देखते रहिए ETS न्यूज़। धन्यवाद।